मेरे शब्दों को इतने ध्यान से मत सुना करो दोस्तों, कहीं कुछ याद रह गया ना तो भूल नहीं पाओगे। एक बार की बात है, एक अंकल जी थे, बहुत पूजा पाठी, वेरी रिलीजियस ही वॉज, रेगुलरली मंदिर जाते थे, पूजा पाठ करते थे, भगवान के दर्शन करते थे। एक दिन की बात है, जब वो मंदिर गए, पूजा कर ली उन्होंने, परिक्रमा कर ली, उसके बाद पुजारी जी के पास पहुंचे। कहते, पुजारी जी आज मैं बहुत नाराज हूँ। तो पुजारी जी कहते हैं, भाई क्या हुआ, आपने तो भगवान के दर्शन किए हैं, आपको तो रिलैक्स होना चाहिए, थोड़ा खुश होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम है बताइए। कह रहे, नहीं नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप ये देखिए ना, चारों तरफ मंदिर में जगह जगह पे लोग फोन पे बात कर रहे हैं, एक दूसरे से गपशप कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं। भगवान पे ध्यान लगाने के बजाय, भगवान के बारे में सोचने के बजाय बाकी सब कुछ कर रहे हैं, कितना खराब लगता है इन्हें। आप कुछ कहते नहीं, आपको नहीं बुरा लगता, बताइए ना। पंडित जी ने उन अंकल जी की तरफ देखा, कुछ सोचा, कहते ठीक है, इसका जवाब मैं आपको कल दूंगा तो चलेगा। अंकल जी कहते हैं, ठीक है, अच्छा कल आप मंदिर आएंगे क्या? तो अंकल बोलते हैं, हाँ आएंगे। तो मेरा काम कीजिएगा, कल जब घर से आप मंदिर के लिए निकलेंगे ना, तो अपने हाथ में एक लोटा भर के पानी भी लेते आइएगा, ठीक है? तो अंकल बोलते हैं, हाँ कौन सी बड़ी बात है, ले आएंगे जरूर, लेकिन ध्यान दीजिएगा उसमें से ना एक भी पानी की बूंद छलकनी नहीं चाहिए बाहर, ठीक है? तो कल आप आइए, उसके बाद मैं आपको, आपने जो सवाल पूछा उसका आंसर दूंगा। तो अगले दिन साहब अंकल जी जो है अपने घर से मंदिर के लिए निकले, और जैसा कि पुजारी जी ने कहा था, हाथ में लोटा भी था और पानी से भरा हुआ था। तो चल रहे हैं और बहुत ध्यान से चल रहे थे कि भाई उसकी पानी की एक भी बूंद बाहर छलक ना जाए। चलते रहे, फाइनली मंदिर पहुंच गए, जूते चप्पल जो पहने हुए थे वो उतारे, सीढ़ियां चढ़ी मंदिर की, और भगवान के दर्शन किए, अच्छे से पूजा अर्चना कर ली, उसके बाद परिक्रमा भी कर ली। फिर ढूंढ रहे थे इधर उधर कि पुजारी जी कहाँ हैं, तो पुजारी जी दिख गए, उनके पास पहुंचे और मुस्कुरा के बोलते, पुजारी जी मैं आ गया, और ये देखिए जैसा आपने कहा था, हाथ में लोटा भी है, पानी से भरा हुआ है, और इसमें से एक भी बूंद छलकी नहीं है। तो पुजारी जी मुस्कुरा के बोलते, पक्का सच कह रहे हैं आप? कह रहे हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत ध्यान दिया इसके ऊपर। तो अब आप बताइए, वो जो कल मैंने आपसे सवाल पूछा था कि आसपास इतने सारे लोग होते हैं मंदिर में, तो आपको कुछ बुरा नहीं लगता, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो आपने बोला था कि कल आप आंसर देंगे। पुजारी जी मुस्कुराते हैं, कह रहे, मेरे आंसर देने से पहले एक छोटा सा सवाल आपसे पूछूं? हाँ हाँ पूछिए ना। आज आपको मंदिर के कैंपस में कोई गपशप करता हुआ, इधर उधर की बातें करता हुआ, फोन पे बातें करता हुआ नजर आया आज? कह रहे, नहीं आज तो नहीं नजर आया। तो पुजारी बोलते, क्यों? क्योंकि आज आपका पूरा ध्यान इस लोटे पे था कि इसमें से पानी की एक बूंद छलक ना जाए, आपका ध्यान इस लोटे पर था। दोस्तों, अंकल जी को भी आंसर मिल गया और हमें भी शिक्षा मिल गई कि ध्यान एक ऐसी चीज है, कॉन्सेंट्रेशन, जब हमारा खुद का ध्यान भटकता है ना, इधर उधर होता है, तभी हमें बाहर की दुनिया में डिस्टर्बेंसेस दिखाई देते हैं, और जब हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारा फोकस, हमारा ध्यान अपने गोल पे, अपने टारगेट पे, अपने लक्ष्य पे, भगवान पे, या वो कोई भी चीज जो हमें पानी है उस पर पूरी तरह से होता है, तो हमें कुछ नजर ही नहीं आता कि हमारे आसपास कोई है भी या नहीं। क्या बोलते हैं? तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा आपको ये स्टोरी कैसी लगी। एक शॉर्ट इंस्पायरिंग स्टोरी थी, मुझे पढ़ के बड़ा मजा आया, सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। और अगर पसंद आया तो भाई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मैं मिलता हूं आपसे अगली एक और शॉर्ट इंस्पायरिंग स्टोरी के साथ। तब तक ख्याल रखिए अपना।